हेलो नमस्कार। सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी जवान को लेकर के तो अपडेट्स सामने आ रही हैं और अपडेट्स सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि जवान मूवी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस में नए से नए रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली बनाने वाली है, क्योंकि अभी तक की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जवान मूवी कहीं ना कहीं 700 करोड़ क्लब में आज के दिन शामिल हो जाएगी वर्ल्ड वाइड में। और इंडिया में भी ये मूवी बहुत क्लोज है 400 करोड़ के। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मूवी का बना हुआ है कि जिस तरीके से मूवी इंडिया में कलेक्शन कर रही है, ये मूवी ओवरसीज़ में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कलेक्शन कर रही है। लेकिन इसके साथ शाहरुख खान की जो अपकमिंग मूवी है उसको लेकर के भी मैं बात करूँगा। और ये भी कह दूँ कि शाहरुख खान की इससे पहले पठान मूवी थी जो कि 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई, और अब चांसेस क्या कह सकते हैं 100% है कि जवान मूवी भी 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद उनकी अपकमिंग मूवी डंकी को लेकर के बड़े अपडेट्स सामने आ चुके हैं। ये जो डंकी मूवी है, ये राजकुमार हिरानी इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज़ पहले दे चुके हैं आमिर खान के साथ। तो राजकुमार हिरानी की चाहे आप एक थ्री इडियट ले लो, चाहे आप उनकी पीके ले लो, तो इस तरीके की उनकी काफ़ी ऐसी मूवी है। मुन्ना भाई MBBS ले लो, जो कि संजू के साथ आई थी। इसी तरीके से उनकी इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, इतनी फेमस और इतनी बड़ी बड़ी हिट मूवीज़ हैं कि उनके नाम से ही मूवीज़ चल पड़ती है। लेकिन जब उस नाम में कहीं ना कहीं हमें शाहरुख खान ऐड होंगे तो वो एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग उस मूवी की रहेगी। और शाहरुख खान की ने अब हाल ही में लेटेस्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वो सक्सेस जो उनको मिली है जवान मूवी की, उसको ऑडियंस के साथ मीडिया के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनकी मूवी जो है बहुत जल्द आने वाली है, डंकी मूवी भी। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कन्फर्म करते हुए भी कहा कि शाहरुख खान कन्फर्म्स डंकी फॉर 22 दिसंबर 2023 रिलीज़ एट जवान इवेंट। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है अपने जवान इवेंट में कि उनकी अपकमिंग मूवी डंकी जो है वो 22 दिसंबर को जो है वो रिलीज़ होने वाली है क्रिसमस के मौके पे। बड़ा एक कहीं ना कहीं धमाका है। और अगर ऐसा होता है तो शाहरुख खान की तीन ऐसी मूवीज़ जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है और 1000 करोड़ क्लब में पहुँची है, वो होने वाली है। और पहले ही ऐसे एक्टर होने वाले हैं शाहरुख खान जो कि ये कारनामा करके दिखाएंगे। जो भी कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।